दोस्तों फाइनली बिजली विभाग में नई भर्ती निकल के आ चुकी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, टोटल 2600 प्लस पदों पर यह वैकेंसी निकल के आई है। क्वालिफिकेशन 10th 12th ITI ग्रेजुएट पास, सभी स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए है। उम्र, शैली, चयन प्रक्रिया, सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिजली विभाग में वर्षों से न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे थे। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं जो ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रही है। आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आज के अगर न्यूज़पेपर आप नहीं देखे तो आज के न्यूज़पेपर भी आप देख सकते हैं, जिसमें दिया हुआ है दैनिक भास्कर में 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, बिजली कंपनी के 2600 से अधिक पदों पर बहाली जल्द। चलिए देख लीजिए कौन कौन पोस्ट है। बिजली कंपनी ने 2600 से अधिक पदों पर बहाली जल्द होगी, इसकी तैयारी बिजली कंपनी मुख्यालय ने शुरू कर दी है। इसमें बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के अनुसंगिक साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी आदि शामिल है। अधिकारियों के मुताबिक 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। अगस्त देख लीजिए सितंबर में परीक्षा होगी। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने मंगलवार को 15 जून से ऑनलाइन आवेदन किए जाने की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन 1 से 2 दिन में जारी होने की संभावना है। मार्च में निकली थी बहाली के लिए मार्च में विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन तकनीकी कारणों और आचार संहिता के कारण बहाली स्थगित कर दी गई थी। पोस्ट देख लीजिए इन पदों के लिए आवेदन। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपको 2000 पद हैं। जूनियर अकाउंटेंट्स कलर के लिए 300 पद हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी कलर का 150 पद है। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 पद है, सहायक अभियंता का 40 पद है और कनीय अभियंता का 40 पद है। इसलिए जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो फिर से हम आपको नए वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। तो टोटल ये 2600 प्लस पदों पर वैकेंसी निकल के आई है, क्योंकि बिजली विभाग में जल्दी वैकेंसी नहीं आती, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आप खुद देख रहे हैं जो मार्च में ही वैकेंसी निकल के आई थी, कोई तकनीकी कारण से वैकेंसी को वापस लिया गया और आचार संहिता भी लागू हो गया था, इसलिए फिर वैकेंसी को दोबारा जारी नहीं किया गया। और अभी देखिए आचार संहिता समाप्त हो गई है तो फिर से वैकेंसी को दोबारा जारी किया गया। और आप लोग भी इस फॉर्म को अगर भरना चाहते तो भर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट भी बता दिए हैं। टेक्नीशियन के लिए देखिए 2000 है, जूनियर कलर के लिए 300 है और कलर के लिए 150 है, स्टोर असिस्टेंट के लिए 80 है, सहायक अभियंता के 40 है और कनीय अभियंता का भी 40 है। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, जैसे ही ऑनलाइन आवेदन के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी तो फिर से हम आपको नए वीडियो बना के अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा बिजली विभाग के बारे में वैकेंसी को लेकर वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।